Today, I will start the first poem, The Road Not Taken. I am S.K. Dubey from LTM Inter College. I will teach you the first poem, The Road Not Taken. This poem has been composed by Robert Frost, who was a great American poet. In this poem, the poet stands at the end of two roads. In this poem, the poet Robert Frost stands at the end of two roads. He is in a dilemma as to which road should be chosen. Kavi is poem mein ek aise raaste par khada hai jo raasta do dishaon ki or jata hai. और कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट है वे डायलेमा की स्थिति में है, यानी वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं वहां को भी स्थिति में कि मैं कौन से रास्ते का चुनाव करूं, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा. वन रोड लुक्स फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड व्हाइल द अदर वन लुक्स ग्रासी एंड हैंड. एक जो रास्ता है वो ऐसा लगता है जिसके बहुत सारे यात्री पहले जा चुके हैं और जो दूसरा रास्ता है वो ग्रासी अर्थात वो घास नुमा है जो ये प्रदर्शित करता है कि किस रास्ते पर कम लोग हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोयम द रोड नॉट टेकन. द टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. And the one traveler long stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now I will explain it in Hindi. Two roads diverged in a yellow wood, यानी दो रास्ते अर्थात प्रत्येक ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में हट रही थी, यानी दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था. एंड टू वन ट्रेवलर लॉन्ग स्टूड, तब मैं एक रास्ते पर खड़ा हो गया. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहां से मैं देखा जहां तक मैं देख सकता था. वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तब मैंने देखा कि पौधों और झुरझुर के झुरमुट में गायब हो गई और आगे दिखाई नहीं दी. अर्थात वहां जहां से मैं खड़ा था उससे आगे मैं देख नहीं सकता. अर्थात डाइवर्जमेंट होता है अलग अलग रास्ते में घटना. और येलो फूड का मतलब यह है कि पतझड़ के मौसम में पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं. तो पीले पड़ रहे हैं तो अर्थात यहाँ पर कभी जो है येलो ऋतु अर्थात ऑटम सीजन की बात कर रहा है. एज फार एज का मतलब जहां तक संभव हो सकता है वहां तक मैं देखा, जहां तक मैं देख सकता था. और तब मुझे ऐसा लगा कि वो रास्ता जो है वो पौधों की झुरमुट में जो है वो है. सेकंड पैराग्राफ, टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो बुक देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, वह भी उतनी ही उपयुक्त थी, शायद ज्यादा ठीक थी. अर्थात जो दूसरी सड़क थी, जो दूसरा मार्ग था वो पहले से बेहतर था, पहले से अच्छा था. एंड हैविंग पर हैव द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड डियर. द बेटर क्लेम का मतलब होता है बहुत, मतलब बेटर, बहुत अच्छा. और ग्रासी मीन्स घास से ढकी हुई, और वांटेड डियर का मतलब होगा उस रास्ते पर अधिक यात्री जो है वो नहीं करते. अर्थात वह रास्ता अधिक यूज नहीं किया गया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ऐसा मुझे लगा कि रास्ता पहले से बेहतर है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड डियर, क्योंकि वो रास्ता जो था वो घास से भरा हुआ था. और वांटेड डियर का मतलब उस रास्ते पर अधिक यात्री जो है वो नहीं गए. तो
द पासिंग डियर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सीन, अर्थात वहां से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर यात्री जो है वो समान रूप से गए। थर्ड पैराग्राफ, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लेट नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है अर्थात खुजला हुआ, अर्थात ज्यादा जब यात्री किसी रास्ते पर चलते हैं तो उनके पैरों की वजह से वो स्थान काला पड़ जाता है। वो आई केप द फर्स्ट फॉर एनदर डे जस्ट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे आई डाउटेड इट आई शुड एवर कम बैक। अर्थात एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, उस दिन प्रातः में दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी और उन पर किसी यात्री का कदम अभी नहीं पड़ा था जो उन्हें कुचल कर काला करते। अर्थात उस दिन उस सुबह को दोनों रास्ते जो है वो एक समान दिखाई दे रहे थे, अर्थात कोई भी रास्ता जो है वो काला दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात वो रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लीन था, नीट एंड क्लीन। इसका तात्पर्य यह है कि उस रास्ते पर अभी कोई भी यात्री उस समय तक गुजरा नहीं था। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर एनदर डे यट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, फिर मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूंगा, यट नोइंग ये जानते हुए कि हाउ वे लीड ऑन टू वे कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता। मैं इस बात को जानता था कि अगर एक रास्ते को मैं पकड़ करके चलूंगा तो निश्चित रूप से दूसरा रास्ता भी कभी न कभी मुझे मिल जाएगा, था एक रास्ते दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं मिलते। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं डाउटेड था अर्थात मैं ये मेरे मन में ये संदेह हो रहा था, मैं असमंजस की स्थिति में था कि मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूं। नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस इज ए साइन समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड टू डो ड्राइवर इन ए बूथ एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैंड मेड ऑल द डिफरेंस। इट मीन्स आई शैल बी टेलिंग दिस इज ए साइन, अर्थात मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भी भविष्य में दुखी हृदय से यह कहता रहूंगा कि एक जंगल के एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में फटी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम राहगीरों के कदम पड़े थे, अर्थात मैंने उन दो रास्तों में से एक रास्ते को सिलेक्ट किया, एक रास्ते का चुनाव किया जिस रास्ते पर कम राहगीर पासर भाई जो गुजरे थे, अर्थात वह आम रास्ता नहीं था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना पड़ता है। अर्थात कभी हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों में से हमें एक सही लक्ष्य का चुनाव करना पड़ता है जो हमारा सही मार्गदर्शन करता है और वही हमें जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखना कि जो भी आपको काम करना है उस काम के लिए आपको सही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो रास्ता आपके लिए डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, कठिन हो, लेकिन अगर हम संघर्ष करेंगे उस रास्ते पर, अगर हम सही दिशा से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने डेस्टिनेशन तक अर्थात अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएंगे। इन दिस वे दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड, द रोड नॉट टेकन हैज बीन कंपोज्ड बाय आवर ग्रुप। इन दिस वे इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू। 10 मिनट्स सर, अब क्वेश्चन तो हो जाएगा।
बंद थोड़ी करा, चल रहा है, चल रहा है। तो ये बता दो इसमें करना क्या क्या है पोएम में, पोएम में तैयारी क्या क्या करनी है, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन के साथ हमें। अब जो है बेटे इसमें दो चीजें जो है करनी होती है पोएम में, पहले आपको ये सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया में आपको लिख करके और भेज दूंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास अगर बुक है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो मुझे मैं घर पे आपको सेंड कर दूंगा। उसमें हेडिंग क्या क्या लिखने, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में ये होता है कि